हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगे फ्रॉम रेंडिस इन्वेस्टमेंट और आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को। तो यहाँ पे बेसिकली एक पैसिव स्ट्रेटेजी है जहाँ पे हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर जो बेसिकली स्मार्ट परफॉर्मर्स होते हैं, जो अल्फा जनरेट करके देते हैं, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर जो 16-18% के रिटर्न लॉन्ग टर्म में बनके आते हैं, उसका मेजर ड्राइवर्स जो होते हैं वो जो 25-30 कंपनीज है उसको इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर, वो स्ट्रेटेजी है ये। और जो लगा देते हैं जो 15-20 स्टॉक्स जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर पार्ट तो है बट वो एक्चुअली निफ्टी नेक्स्ट 50 पार्ट के जो परफॉर्मेंस है उसको बेसिकली ये डाउनग्रेड करते हैं, उनकी वजह से जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 का परफॉर्मेंस जो बिगड़ जाता है। तो उन स्टॉक्स को हम बाहर निकाल देंगे और जो 25-30 स्टॉक्स जो एक्चुअली जो अल्फा जनरेट करके देते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 का मेजर रिटर्न्स बना के देते हैं, उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो 25-30 स्टॉक्स का जो बास्केट है ये आपको लॉन्ग टर्म में जो है ऑलमोस्ट 23-25% के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बना के देता है। और इस तरह की स्ट्रेटेजी जो है एक नहीं दो नहीं मल्टीपल मल्टीबैगर्स निकाल के देती है। इसको मैंने अगस्त 21 के वीडियो में भी डिटेल पे समझाया था और आज भी मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे दिखाऊंगा कि ये किस तरीके की स्ट्रेटेजी है। तो डिटेल लेवल पे समझते हैं और करंट रिव्यू के बाद जैसे रिसेंटली निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर इंडेक्स के अंदर जो चेंजेस हुए हैं सबसे स्ट्रेटेजी के अंदर कौन से स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं कौन से एक्सक्लूड होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो और अगस्त 21 में जो मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम से लेकर अब तक के कैसे परफॉर्मेंस है उसको भी समझेंगे। तो डिटेल लेवल पे समझेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको लर्निंग काफी देगा, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हमारी मल्टीबैगर पैसिव स्ट्रेटेजी जो है ये बेसिकली धंधो इन्वेस्टर पे आधारित है। ये बेसिकली कहती है कि हेड्स आई विन टेल्स आई डोंट लूज मच। तो इसमें कैसा रहता है कि हम निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो डिस्कशन कर रहे हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो स्टॉक्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहते हैं उसको हम होल्ड करते हैं और जो बेसिकली अच्छे परफॉर्मेंस नहीं होते पास्ट में इन्होंने हमें एक बार ना कभी धोखा दिया उनको हम एग्जिट करते हैं और कोई भी इंडेक्स से निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर निकलता है तो उसको भी हम निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे लॉसेस जो है वो कम से कम होते हैं और जो हमारे विनर्स होते हैं उनको हम लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हैं। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हमारे विनर्स जो है वो हमें ज्यादा रिटर्न्स देते हैं और लूजर्स जो है हमें बहुत ही कम लॉसेस देते हैं, तो ओवरऑल वी गेट अ वेरी गुड रिटर्न्स। तो यहाँ पे निफ्टी 100 के अंदर बेसिकली दो कंपनीज होती है, निफ्टी 50 की कंपनीज यानी टॉप 50 कंपनीज और उसके बाद की 50 जो कंपनीज है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट होती है। तो हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के हिसाब से ये पूरा एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो पार्ट होती है वो किस तरीके से आती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट या तो वो निफ्टी 50 में अंडर परफॉर्म करके एंटर कर सकती है राइट, या फिर वो निफ्टी मिड कैप 50 यानी निफ्टी 100 के बाद की जो 50 कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्म करके भी निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ सकती है। और वहीं एग्जिट क्या होता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं वो एग्जिट करके निफ्टी 50 में आ सकते हैं या फिर जो अंडर परफॉर्मर्स है वो वापस निफ्टी मिड कैप 50 में चले जाएंगे। तो ये बेसिकली फ्लो ऑफ स्टॉक्स होता है। तो यहाँ पे हम इंटरेस्टेड कौन सी कंपनीज में, हम इंटरेस्टेड ग्रीन वाली कंपनीज यानी निफ्टी मिड कैप 50 से जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में एंटर करते हैं और उसके बाद जो है वो निफ्टी 50 का पार्ट बनते हैं तो उसको हम होल्ड करते हैं, विनर्स को जो हम होल्ड करते हैं। और वहीं निफ्टी 50 के जो पार्ट पहले रह चुकी है वो अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। और वहीं अगर कोई कंपनी पास्ट में निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट थी और वापस निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती है तो भी हम उसको एग्जिट कर जाते हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर करंटली है और नेक्स्ट क्वार्टर में मान लो कि वो निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर निकल के निफ्टी मिड कैप 50 में चली जाती है तो उसको भी हम बाहर निकाल के फेंकते हैं। तो बेसिकली हमारे जो स्टॉक्स है वो बेसिकली फर्स्ट टाइम नेक्स्ट 50 को एंटर किए हैं वैसे वाले स्टॉक्स को हम कंसिडर करते हैं और उनको हम अगर वो निफ्टी 50 में कंटिन्यू करते हैं तो उसको हम होल्ड ऑन करते हैं। तो ये हमारी विनिंग स्ट्रेटेजी होती है। तो यहाँ पे पास्ट में मैं आपको दिखाऊं तो किस तरीके के मल्टीबैगर्स हमें मिले, तो लास्ट कुछ सालों की भी बात करें तो इसमें श्री सीमेंट, बजाज फिनसर्व, टाइटन। श्री सीमेंट को ये बेसिकली स्ट्रेटेजी 2016 में पिक कर लेते क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर श्री सीमेंट 2016 में ऐड हुआ, बजाज फिनसर्व 2013 में ऐड हुआ था निफ्टी नेक्स्ट 50 में तो उस टाइम से पिक होता है, टाइटन जो 2011 में ऐड हुआ था तो उस टाइम से होल्ड करते हैं, बजाज फाइनेंस 2016 में ऐड हुआ इस इंडेक्स में तो उस टाइम से होल्ड करते हैं, यूपीएल 2017 में ऐड हुआ उस टाइम से होल्ड करते हैं, आयशर मोटर्स 2015 में ऐड हुआ तो उस टाइम से होल्ड करते हैं, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और टाटा कंज्यूमर, इन तीनों को जो है बेसिकली लास्ट 4-5 साल के अंदर ये एंटर किया। तो बेसिकली कैसा रहता है कि लॉजिकली आप सोचिए कि कोई भी कंपनी अगर मल्टीबैगर बनती है तो वो स्मॉल कैप से मिड कैप बनेगी, मिड कैप से निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बनेगा और निफ्टी नेक्स्ट 50 से निफ्टी 50 राइट। तो ये जर्नी में बेसिकली हम निफ्टी नेक्स्ट 50 का जैसे पार्ट बनती है उसको हम कैप्चर कर लेते हैं, उसको हम होल्ड कर लेते हैं। तो बेसिकली थोड़ा अर्ली होल्ड करते हैं जो विनर्स रहते हैं और उसको टिल दे स्टे एज विनर हम उसको होल्ड करते हैं। ये स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने डिटेल पे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो अगर आप देखो तो हमने ये वीडियो बनाया था अगस्त 27, 2021 में हमने ये वीडियो बनाया था जहाँ पे ये सारे स्टॉक्स उस टाइम पे जो है बेसिकली अगस्त 21 पे जो स्टॉक्स थे अबॉट, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, एल्केम, ये जितने भी कंपनीज थी उस टाइम पे उसको हमने कैलकुलेशन भी किया था कि क्यों ये मल्टीबैगर स्ट्रेटेजी है। इसको अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली जो रिटर्न्स थे इनके सिंस ये जब ये इंडेक्स के अंदर पार्ट बने स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो उस टाइम से लेके ये बेसिकली 23.92 यानी ऑलमोस्ट 24% प्लस डिविडेंड ऑलमोस्ट 25% के रिटर्न्स दिए थे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये 25% की स्ट्रेटेजी है जो बेसिकली लार्ज कैप के अंदर जो 25% के सीएजीआर है जो कि सबसे अच्छे माने जाते हैं लार्ज कैप के अंदर उस तरह की परफॉर्मेंस ये दे सकती है। तो ये जो स्टॉक्स थे जो हमने 2000
21 में अगस्त में ऑलमोस्ट 7 मंथ्स पहले जब वीडियो बनाया था तब ये डिटेल लेवल पे स्ट्रेटेजी डिस्कस भी की थी। आप चाहो तो वो वीडियो डिटेल लेवल पे देख सकते हो। और यहाँ पे मैं उस लेवल के डिटेल में नहीं जा रहा, बट ये जो कंपनीज थी अबॉट, अदानी ग्रीन ट्रांसमिशन, एलकेम लैब्स, अल्पिनिंग सुपरमार्ट, इनके परफॉर्मेंस देख लेते किस तरीके के रहे लास्ट 7 महीने में। तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा बहुत बता देगी किस तरीके की स्ट्रेटेजी है। तो अबॉट बेसिकली -6% के रिटर्न दिया फ्रॉम 27 अगस्त टू 22 अप्रैल। तो ये जो बेसिकली लास्ट 7 मंथ्स है इसमें अबॉट इंडिया ने -6%, अदानी ग्रीन ने 96% के रिटर्न, अदानी ट्रांसमिशन ने 73% रिटर्न, एलकेम लैब ने -9%, एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने 5.9%, बंधन मैक ने 18.8%, बर्जर प्रिंट्स ने 9.8%, ग्लैंड फार्मा ने 19.3%, गोदरेज कंज्यूमर ने -28% के रिटर्न दिए, HDFC AMC ने -24%, हैवेल्स ने -3.8%, ICICI लोम्बार्ड ने -9%, ICICI प्रूडेंशियल -22%, इंद्रप्रस्थ गैस ने -27%, इंडस टावर्स ने 0.46%, इन्फो एज ने -20%, एविएशन इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो ने 14%, जुबिलेंट फूडवर्क्स ने -28%, L&T ने 20% रिटर्न, मैरिको ने -1% रिटर्न, मुथूट फाइनेंस ने -8.8% रिटर्न, स्पीडलाइट ने 12% रिटर्न और एसबी कैश ने -20%। तो ओवरऑल ये जो रिटर्न है ये ऑलमोस्ट 3.26% के रिटर्न बनते हैं सीजीएल लेवल पे। तो ये जो रिटर्न है ये बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि लास्ट 7 मंथ से जो मार्केट है एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज में, और इसी के दौरान जो 3.26% के रिटर्न दिए इसी दौरान मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड है एक्सिस ब्लू चिप है उसने 0.74% के रिटर्न दिए मात्र 0.74, और वहीं कैनरा रुपीको ने 2.19%, और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो हमारा बेसिकली बेंचमार्क इंडेक्स होना चाहिए क्योंकि हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 को एफिशिएंट बना के ये स्ट्रेटजी बनाई है तो उसने भी सिमिलर रिटर्न दिए। तो ओवरऑल बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी दिखाती है कितनी एफिशिएंट है, और सबसे अच्छे परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स को भी ये मोर ऑर लेस बेटर ही परफॉर्म किया इसने। और यहाँ पे एक चीज है कि अगर आप लूजर्स देखोगे -28%, -20%, -28%, -20%, -27%, मैं एक एग्जांपल पर्टिकुलरली आपको दूं तो इंद्रप्रस्थ गैस। तो इंद्रप्रस्थ गैस बेसिकली करंट जो 6 मंथ्स में एवरी 6 मंथ्स में ये जो इंडेक्स रिव्यू होता है उसमें इंद्रप्रस्थ गैस जो ऑगस्ट 21 में पार्ट था वो बाहर निकल गया है। तो यहाँ पे आपको -27% के रिटर्न देख के आपको लगे कि इसके लिए हमारे होल्डिंग पीरियड में बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिए, बट आप देखिए इसको बेसिकली हमने 26 जून 2020 में ये इंडेक्स का पार्ट बना था, लेकर अब तक इसने कितने रिटर्न दिए -5%। तो बेसिकली आपके जो लूजर्स है वो आपको बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं कराते, मिनिमल लॉसेस कराते, और वहीं जो विनर्स होते हैं वो आपको अमेजिंग रिटर्न्स देते हैं। चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो ओवर 44% के रिटर्न्स दे चुका है ये 2012। तो ये जो स्ट्रेटेजी है बेसिकली विनर्स को होल्ड ऑन करती है लंबे टाइम के लिए और अच्छे रिटर्न भी बना के देती है। तो इस स्ट्रेटेजी की वजह से जो है ऑलमोस्ट 25% के सीएजीआर रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बन जाते हैं। यहाँ पे मैं करंट सिचुएशन की बात करें तो करंटली रिसेंटली मार्च क्वार्टर में जो है निफ्टी ने बेसिकली एनएससी निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर चेंजेस लाए, तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो 50 स्टॉक्स ये पूरी लिस्ट है जो करंटली अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है, तो इसमें से हम पहले मार्क कर लेते हैं वो कंपनीज जो निफ्टी 50 में कभी ना कभी प्रेजेंट थी। तो ये कैसे क्या था कि कभी कोई भी कंपनी अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 50 का पार्ट बन चुकी है और बेसिकली निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 से निकल चुकी है तो उसके इसमें हम इसे कंसिस्टेंट नहीं कहेंगे, उसको कंसिस्टेंट कहेंगे। तो ऐसे इनकंसिस्टेंट स्टॉक्स को हम अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। आई रिपीट, हम ऐसे स्टॉक्स जो पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बनके वापस निफ्टी नेक्स्ट 50 के बाहर निकल गई या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बनने के बाद निफ्टी 50 का पार्ट बनी फिर वापस निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ गई, उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो बेसिकली अगर कंसिस्टेंट होते तो वो लगातार अपना मार्केट कैप और लगातार वो अपने इंडेक्स से बेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट अगर उसने इंडेक्स से लेस परफॉर्म किया है इसीलिए वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो वैसे लगातार हम नहीं चाहते। तो ये स्ट्रेटेजी के अंदर तरीके के जो स्टॉक्स है इसको बाहर निकलते हैं, लगभग 14 स्टॉक्स है, ये 14 स्टॉक्स जो है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 का, हालांकि ये पार्ट है। तो ये जो 12 स्टॉक्स है इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो ये बेसिकली 36 स्टॉक्स हो गए। इन 36 स्टॉक्स को हम देख लेते हैं ये 36 स्टॉक्स का किस तरीके का है। तो इन 36 स्टॉक्स में भी हमने बेसिकली वो स्टॉक्स जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट पहले हो चुके हैं, एग्जांपल के तौर पे अदानी एंटरप्राइज जो 2015 में निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट पहले हुआ करती थी निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट, 2015 में इसके अंडर परफॉर्मेंस की वजह से ये बाहर निकल गया था। इस तरीके के स्टॉक्स को हम बाहर निकालते हैं, चाहे वो बजाज होल्डिंग हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, बायोकॉन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पिरामिड एंटरप्राइज, स्टील अथॉरिटी और टोरेंट फार्मा। ये कंपनीज जो है ये बेसिकली टोटल 8 कंपनीज होती है, ये कंपनीज को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। बेसिकली ये जो 8 कंपनी होगी एंड 14 कंपनीज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो रिमेनिंग कंपनीज जो इस इज द फर्स्ट टाइम ये इंडेक्स का पार्ट बनी है निफ्टी नेक्स्ट 50 का, इधर करंट रिव्यू में पार्ट बनी है या पहले पार्ट बनी थी लेकिन ये फिलहाल निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर है। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली ये बेसिकली दीज आर द मेन कंपनीज विच आर गोइंग टू ड्राइव निफ्टी नेक्स्ट 50 के रिटर्न। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो लॉन्ग टर्म ये 16-17% 18% के रेंज में ये लॉन्ग टर्म में रिटर्न बना के देता है और इसी को हम थोड़ा एफिशिएंट बना देते हैं ताकि ये 25% के रिटर्न बनाए। तो ये जो 28 स्टॉक्स है, ये 28 स्टॉक्स जो है इसे हमें कंसिडर करना चाहिए फॉर दिस स्ट्रेटेजी करंटली। तो यहाँ पे मैं बात करूं
कंपनीज की, तो अदानी ग्रीन एनर्जी है, अदानी ट्रांसमिशन है, एवेन्यू सुपरमार्ट से बंधन बैंक है, बर्जा पेंट्स है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी है। तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी पहले ये मिड कैप 50 का पार्ट हुआ करता था और वहां से अपग्रेड होकर ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बना है। तो निफ्टी मिड कैप 50 को भी हम यही सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। तो देखो आप किस तरीके की एफिशिएंट स्ट्रेटेजी है, पहले आप निफ्टी मिड कैप 50 के अंदर ही इस तरीके के लॉन्ग टर्म विनर्स और मल्टीबैगर्स को कैप्चर कर लेते हो और एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देता है, फिर वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर भी वेल्थ क्रिएट करके देता है। और उसके बाद अगला जाता है एफएसएन ई कॉमर्स, तो ये बेसिकली नाइका हो गया, रिसेंटली लिस्टेड हुआ था, ग्लैंड फार्मा, ब्रिज कंज्यूमर, एचडीएफसी एएमसी, हेवेल्स, आईसीसी लोम्बार्ड, आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इंडस टावर, इंफोएज, इंटरग्लोब एविएशन, बेसिकली इंडिगो, जुबिलेंट फूडवर्क्स, एलएनटी इंफोटेक, मैरिको, माइंडट्री, मुथूट फाइनेंस। उसके बाद आ जाता है 197 कम्युनिकेशन, बेसिकली पेटीएम, पीआई इंडस्ट्री, स्पीड लाइट, एसबीआई कार्ड्स, एसआरएफ लिमिटेड, जोमेटो और जाइडस लाइफ साइंस। ये जो बेसिकली 28 कंपनीज है ये बेसिकली हमारा बास्केट बन जाता है। तो इसके अंदर कुछ लोगों को डाउट होगा कि जो रिसेंटली जो कंपनीज एड हुई है, स्पेशली मैं बात करूं तो चोलामंडलम फाइनेंस छोड़ के स्पेशली ये जो तीन कंपनीज है, नाइका, पेटीएम और जोमेटो, ये तीन कंपनीज की बात करूं तो ये लॉस मेकिंग कंपनीज है। लेकिन पर्सनली मैं भी इस तरह की लॉस मेकिंग कंपनीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता नहीं हूं। पर्सनली मुझे लगता है कि ऐसी लॉस मेकिंग कंपनीज को हमें दूर रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये इंडेक्स का पार्ट बनी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि या तो आप एक्टिव इन्वेस्टिंग करो या फिर पैसिव। अगर आप पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहे हो, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग फॉलो कर रहे हो, तो लेट द रूल्स डिसाइड एवरीथिंग। आप खुद का इन्वॉल्वमेंट, खुद का बायसेस मत रखो। और एक चीज आपको ये भी समझ रखिए कि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट बने हैं, तो अब जो है बेसिकली इंडेक्स के अंदर जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, उसके अंदर जो इन्वेस्टिंग आएगी वो ऑटोमेटिकली इन तीनों स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्टिंग करेगा। तो ये बेसिकली अपने आप में जो है टेक केयर कर लेगा। अगर ये कंपनीज वाकई में बहुत अच्छी नहीं हुई और लॉन्ग टर्म में ये अच्छा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगी, तो अगले रिव्यू में ये अपने आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के बाहर चली जाएगी एंड ऑटोमेटिकली हमारे स्ट्रेटेजी के अंदर से भी बाहर चली जाएगी। तो नो वन रियली नोस कि ये वाकई में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाएगी कि नहीं। पर्सनली मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रही है करेंटली और बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी है। बट नेवर्थलेस रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग में हमें इसे कंसिडर करना चाहिए क्योंकि पैसिव इन्वेस्टिंग के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो आएगी इन तीनों कंपनीज को भी, क्योंकि ये इंडेक्स का पार्ट बने तो इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर आएगा। ओवरऑल ये 28 कंपनीज को आपको बास्केट बना के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और नेक्स्ट 6 मंथ्स में जब सितंबर मंथ में वापस में जब निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिव्यू होगा तो वहां पे जो भी इंडेक्स में जो चेंजेस आएंगे उस हिसाब से हम ये स्ट्रेटेजी को वापस रिव्यू करेंगे और देखें किस तरह की परफॉर्मेंस रही है और किस तरीके से हमारे नए स्टॉक्स ऐड होंगे। तो ये जो बेसिकली मल्टीबैगर स्ट्रेटेजी है निफ्टी नेक्स्ट 50 को एफिशिएंट बना के लॉन्ग टर्म में मल्टीपल मल्टीबैगर्स निकालने की स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी में आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में इस तरह की स्ट्रेटेजी से अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 23-25% के रिटर्न्स डेफिनेटली बनेंगे। तो ये जो स्ट्रेटेजी है अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप इस स्ट्रेटेजी के अंदर के जो स्टॉक्स है उसको आप एज अ बास्केट बाई कर रहे हो या इनमें से कौन से स्टॉक्स है जो आपके बास्केट या आपके पोर्टफोलियो के अंदर है। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हो हम चैनल पर कवर करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि आने वाले वीडियोस में उसे इंक्लूड कर सकूं। और चैनल के बारे में दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारी कम्युनिटी भी ग्रो हो और हमें भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लगातार एक अच्छा सोर्स ऑफ कंटेंट बना सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। यहां पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं तो ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।